हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। और आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल छोले, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और बहुत आसान तरीके से। तो चलिए बिना देर किए वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप के बराबर ये छोले लिए हैं, इन्हें मैंने पूरी रात भिगा करके ले लिया है। ये काबुली चने होते हैं, ये लिए हैं यहाँ पर मैंने, और आप 8 से 10 घंटे भी भिगो कर ले सकते हैं। अब एक कुकर ले लिया मैंने, कुकर में ये छोले मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जितने छोले की लाइन है उससे डबल हमें पानी डाल देना है, मतलब 1/2 से 1 इंच ऊपर। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अच्छी तरह तीनों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे हम। कुकर का ढक्कन लगा कर गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें इसमें 4 से 5 सीटी लेनी है, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला है तो ये इजीली कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीटी हो चुकी है, मैंने कुकर को साइड में रख दिया है। एक पतीले में पानी लिया है लगभग 1 कप के बराबर, इसमें मैंने सूखा हुआ आंवला डाल दिया है और 1/4 छोटा चम्मच चाय पत्ती डाल दिया है। यदि आपके पास सूखा आंवला नहीं है तो आप थोड़ी सी इमली भी ले सकते हैं। अच्छा सा उबाल आ जाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और अब गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे जिसमें कि हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 बड़े चम्मच जितना तेल डाल दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, साबुत लाल मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और तेजपत्ता। तो ये सारे मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि मसाले जो हैं जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा फ्लेवर छोड़ने चाहिए। 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे प्याज डाल देते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे कि मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक कट करके भी ले सकते हैं, पर पेस्ट बनाकर ना लें, नहीं तो प्याज में बहुत पानी हो जाता है और वो बहुत ही ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती है। 2-3 मिनट तक मैंने यहाँ पे प्याज को चला लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, मतलब कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जितना। हरी मिर्चें मैंने 3 डाली हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हल्का सा गोल्डन होने तक इन्हें पका लेंगे। तो इस तरह जब प्याज अच्छी गोल्डन हो जाए तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, उसके साथ ही हल्दी और नमक डाल दिया है लगभग 1/4 छोटा चम्मच जितना। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम कुक करने वाले हैं 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर टमाटर डाल करके अच्छी तरह मिला के हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। तो देखिए हल्का हल्का सा ऑयल निकल आया है, बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने टमाटर की प्यूरी डाली है और प्याज भी ग्रेट करके डाली है और ऑयल थोड़ा कम डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, इसके साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और यहीं पे थोड़ा सा हम जो चाय पत्ती और आंवले का पानी रखा हुआ था हमने वो डाल देंगे। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मसाले को फिर से हमें ऑयल सेपरेट होने तक कुक करना है। तो 2-3 मिनट में चलाते हुए लो फ्लेम पे हमें इस तरीके से कुक कर लेना है। तो यहाँ देखिए ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें छोले का पानी डालने वाले हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने इतना डाल लिया है लगभग 1/4 कप जितना पानी, और साथ ही में हम ये चाय पत्ती का पानी डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि मैंने सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है इसीलिए पानी मैं कम डाल रही हूँ। यदि ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। आप यदि क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप पूरा पानी भी डाल सकते हैं। पानी में एक अच्छा उबाल आने दिया है, जब इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा तो हम इसमें छोले डाल देंगे। तो इन्हें मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था अलग। ये देखिए इस तरीके से कम्प्लीटली सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें डाल लेने के बाद हल्के हाथों से मिला लेंगे। आप चाहें तो कुछ छोले यहाँ पे मैश भी कर सकते हैं या फिर एक उबला हुआ आलू मैश करके डाल दीजिए तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली थिकनेस आ जाएगी। धनिया पत्ता डाल के मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट सा बन करके तैयार हो गया है। जितने भी खड़े मसाले हैं इन्हें अब निकाल लेंगे क्योंकि इनके फ्लेवर रिलीज़ हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं अब, और थोड़ा धनिया पत्ता मैं और ऊपर से डाल रही हूँ। इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट बाद और इसके बाद हम इसे सर्व करने वाले हैं।
तो देखिए दिख रही है ना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल, टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस है। इसमें बिल्कुल भी चाय पत्ती के पानी का टेस्ट नहीं आता है। आप इसे एक बार इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।